आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कनेक्ट एचबीएल अकाउंट किस तरह डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर पर आपने सर्च करना है कनेक्ट एचबीएल। सर्च करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है, अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद ओपन करेंगे। आपने जो अपना पिन कोड बनाया होगा वो आपने दर्ज करना है यहाँ पर 6 अंकों का। मैंने ये अकाउंट पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आप कनेक्ट ऐप एचबीएल से किसी दूसरी बैंक में किस तरह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेंड मनी का, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 3 किस्म के ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आपने बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं तो अदर बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। आपने जो भी बैंक यहाँ पर चूज़ करनी है, जिस बैंक में भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उस बैंक को सिलेक्ट करना है। तो मैं मोबीलैंक जैज़ कैश वैली बैंक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है आपने, जिस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसको ऐड कर देंगे और आपने जो आपका 6 अंकों का कोड होगा वो दर्ज करेंगे। आपने जितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उतने लिख कर आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना 6 अंकों का पिन कोड देना है।